केंद्र सरकार वालों जबरन जारी किए खेती कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली दीआं बारूहां ते डटे हुए है अती किसानां वालों लगातार अपने संघर्ष तेज करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार नूं इह दसण की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हां दी इक गलती किसानां दीआं जिंदगियां नूं किवें बर्बाद कर सकती है अते इसे वजह करके किसानां नूं जेकर किते भी बीजेपी आगू विखाई दिंदे है जां फिर उन्हां नूं बीजेपी आगू की किसी मीटिंग बारे पता चलता है तो वह उन्हों का विरोध कर पहुँच जाते हैं। अजिही एक तस्वीर सामने आई उत्तराखंड की जिथे किसानों वालों उत्तराखंड के बीजेपी मंत्री यशपाल आर्या ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं कालियां अते किसानी झंडियां विखा के विरोध किया गया। आओ विखाने इस विरोध दियां तुहानूं कुछ खास तस्वीर। जी हाँ, जो ये तस्वीर तुम वेख रहे हो इस दे विच साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों का बीजेपी सरकार के खिलाफ किस तरह गुस्सा उमड़ रहा है अते ही गुस्सा दिन ब दिन वधदा जा रहा है। किसानों के वलों लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन धरने मुजहरे किए जा रहे हैं ता जो मोदी की बीजेपी सरकार वालों यह खेती कानून लागू किए गए है इस नूं रद्द किया जा सके। इस दरमियान यह विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन उगराहा उत्तराखंड के प्रधान अवतार सिंह ने कहा कि काले कानूनों की वापसी असी करवा के हटांगे अते MSP लागू होने तक अंदोलन लगातार जारी रहेगा अते बीजेपी पार्टी का विरोध जारी रहेगा जब तक खेती के 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। आज यहां पर यशपाल आर्य नाम का एक मंत्री है, वो यहाँ इस क्षेत्र में आया है। हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और तमाम ये देखिए आज घुमा के हम लोग वहाँ जाना चाहते थे और यहाँ पे ये जो इन्होंने भारत की फोर्स ना बना के ये अंग्रेजों की फोर्स बना दी जो वहाँ तक हमें जाने भी नहीं दे रहे हम चाहें तो एक मिनट में वहां पहुंच जाएंगे लेकिन हम कानून के रखवाले हैं। हम इन लोगों से लड़ना नहीं चाहते, अपने साथियों से हम लड़ना नहीं चाहते। हमारे ये भाई हैं, इसी वजह से हम एक आधा किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं और इस तरह से हम किसी को कोई प्रोग्राम बीजेपी के आदमी को करने नहीं देंगे। आज नहीं करने देंगे, कल नहीं करने देंगे, जब तक हमारे कानून की प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं करने देंगे। और गाजीपुर के वार्डों पर हम सिर्फ 3 कानून की वापसी और MSP की गारंटी के लिए गए थे, वो जब तक नहीं होगी ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान वहां से वापस नहीं आएगा।